तो आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार देख सकते हो आप, ये इस प्रकार कुछ होगा। हो रहा है डिजाइन कुछ इस प्रकार होगी, देख सकते हैं आप। अब इसको हम सेव करना है तो पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, हाँ हमारा काम बराबर है या नहीं है। जैसे कि ये हो गया, तो हम इसको अब सेव टूल पाथ कर लेते हैं। ये हमारा टूल पाथ होगा जी कोड एम एम टैप की हमारी फाइल लगती है, तो हर 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 मशीन के अंदर अलग अलग फाइल लगती है, तो ये हमारे जी कोड टैप की फाइल लगती है। तो ये फाइल हम सेव करेंगे, तो मेरे डायरेक्ट पेन ड्राइव सेव है, तो मेरे पहले की फाइल है जो मैं डिलीट कर लेता हूँ, तो मैंने डिलीट कर ली है। अब है जो हम यहाँ फाइल का नाम लिख देते हैं डोर, डोर करके आप फाइल को सेव कर दीजिए, डायरेक्ट पेन ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेती है सेव होने में, जैसे जैसे फाइल की साइज़ होती है वैसे वैसे टाइम लेती है। जैसे बड़ी फाइल है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर कम साइज़ की फाइल होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम लगेगा।